हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार और आज आप लोगों को जो रेलवे के खास लोको पायलट और असिस्टेंट के वैकेंसी निकले हैं उनके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में कुछ डिटेल से ज़्यादा ज़रूरत के लिए बताऊंगा। यानी कि जिनको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलअप करने में, मैं तो अब तक वीडियो नहीं बनाया था इस पर, लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे कि मैसेज और दूसरे कमेंट से देखने को मिल रहा है कि परेशानी हो रही है फॉर्म फिलअप करने में या तो नोटिफिकेशन समझने में। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, लगभग 57 पेजेस के हैं। तो मैं आपको आज कुछ डिटेल में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताता हूँ इसके, यानी कि नोटिफिकेशन के। तो ये रहा मेरा पीडीएफ, मैंने आपको सामने, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के द्वारा जो पब्लिश किए गए हैं उस नोटिफिकेशन का। तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले ये पहला वैकेंसी है रेलवे का 2018 का, तो इसके बारे में और कुछ डिटेल आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये तो दो पोस्ट के लिए है, यानी कि पोस्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन दो है, लोको पायलट और टेक्नीशियन कैटेगरी हैं, वो दोनों अलग अलग कैटेगरी के लिए हैं। तो इसमें कौन कौन फिलअप कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगा, आप वीडियो देखते जाएं। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसमें डेली एक चैप्टर कराने वाला हूँ, यानी कि लोको पायलट के लिए एक कोर्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ ऑनलाइन। अगर आप इस पे कंटिन्यू बने हुए रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेंगे। चलिए फायदे तो बाद में गिनाते रहूँगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लगभग ये 2 फरवरी को ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ये डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे 3 लिखा जा रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। टाइम ऑन क्लोजिंग है 5 मार्च 2018 को, आपको उससे पहले ही फिलअप कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में होता है कि सर्वर थोड़ा सा जैम हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि करीब इसको 1 मार्च या फरवरी में ही इसको कर लिया जाए। तो इसके कितने कॉस्ट लगते हैं, कौन से कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। चलिए देखते जाइए आगे क्या होता है। तो आपको एग्ज़ाम कैसे होने वाला है ये सब भी पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताता हूँ इससे से जुड़ा हुआ जो भी है। तो एप्लीकेशन जैसे भी है ऑनलाइन फिलअप करना है, इसके बाद कुछ कुछ कैटेगरी कैसे फिलअप करना वो भी मैं आपको आसानी से बता दूंगा या पूरा डिटेल से बताऊंगा, ताकि आप प्रॉब्लम ना हो किसी भी सेक्टर में आपको फॉर्म फिलअप करने में, क्योंकि आजकल के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में ऐसा होता है कि अगर कुछ गलती हो जाए तो शायद आपका रिजेक्शन का डर बना हुआ रहता है कि कहीं फॉर्म फिलअप में रिजेक्ट ना हो जाए, तो ये सावधानी बरतनी है दोस्तों। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि स्केल पे इसके 7th पे लागू होगा, यानी कि 19,900 रुपये अभी दे रहे हैं, प्लस अलाउंस और एडमिसिबल जो भी रहते हैं एज एडमिसिबल वो अलाउंस आपको मिलेंगे। एज 18 से 28 कर दिया गया है दोस्तों। ये पिछले रेलवे वैकेंसीज के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा कम कर दिया गया है। 28 वर्ष तक का ही जो भी यूथ है वो इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और एज 1/7/2018 से काउंट किया जाएगा, मतलब 18 तक काउंट किया जाएगा। अब स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन कितने होंगे क्या होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये सब हम बहुत अच्छे बात लिखी हुई है यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखें कि एक 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में शायद साइको टेस्ट है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ अभी तुरंत। चलिए ये सब बातें इम्पॉर्टेंट तो रखती है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन सारा रूल्स एंड रेगुलेशन देती है। तो इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जामिनेशन लोको पायलट और असिस्टेंट में होने वाला है। तो यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, आप जिस सेक्टर से भरना चाहेंगे यानी कि जिस टेक्नीशियन पोस्ट में भरना चाहेंगे या पायलट पोस्ट में, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है कि जनरल में कितने पोस्ट है, किस जगह में कितने पोस्ट हैं। दोस्तों एक खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार शायद आरआरबी ने ऐसा किया है कि आप किसी एक जगह से ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पिछले बार ऐसा हुआ था कि लड़के 2 जगह से 3 जगह से भर दिए थे या फॉर्म फिलअप किए थे कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से करूँगा, वहाँ से नहीं। तो इस बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म, ऐसा ये
लिखा गया है इसमें। तो चलिए आगे और बताता हूँ, मेडिकल जो भी है वो सब के बारे में भी डिटेल दिया गया है, नेपाल भूटान ये सब के भी जो भी है। आगे आपको अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर ओबीसी है और नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स हैं तो सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा, तो आप सर्टिफिकेट बन गई हो तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो 3 ईयर और जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 ईयर, और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर पीडब्ल्यूडी के लिए 13 साल का छूट दिया गया है, और एस टी एस सी के लिए 15 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए और ऐसे जनरल। तो ये सब एज रिलैक्सेशन के लिए था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना ज़रूरी है क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है यहाँ पे, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, इंजीनियरिंग विल नॉट एक्सेप्ट इन LIEU ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड एट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए कौन सा डिग्री या कौन सा आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो ये आपका आसानी से नीचे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें कि टोटल दिया गया है, पूरे पोस्ट का नाम दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तुरंत, जस्ट ए मिनट। अच्छा चलिए, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सिलेबस के बारे में कंफर्म करा देता हूँ कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों ये 3 टायर में एग्जाम होंगे इसमें, और 2 टायर में होंगे टेक्नीशियन के लिए, लेकिन एएलपी के लिए 3 टायर में होंगे। अब कैसे होंगे ये मैं आपको डिटेल में बताऊँ, वीडियो देखते रहिए। ड्यूरेशन 60 मिनट, यानी कि पहला स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा इसमें। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन में 60 मिनट दिया जाएंगे पहले स्टेज में, और उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी यहाँ पे दिए गए हैं कि जनरल को 40% लाना है, ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25%, यानी कि इन परसेंटेज को लाना ज़रूरी है, तभी आप दूसरे स्टेज में जा सकेंगे। पहला स्टेज का क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस बेस्ड सिलेबस आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली मैथमेटिक्स में आपके जो भी है नंबर सिस्टम है, वर्डमास है, डेसिमल, फ्रैक्शन है, एलसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शनल परसेंटेज और वगैरह जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपको चेक करना है कि आपका क्या पैटर्न आ सकते हैं। पिछले के मुकाबले इस बार सिलेबस चेंज किए गए हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। और आप अभी जो भी कौन से बुक फॉलो करना चाहिए वो भी मैं आपको अभी आइडिया दूंगा। जनरल साइंस हो गया, सॉरी इसमें मैं बता रहा था कि क्या क्या आने वाला है। मैथमेटिक्स आने वाले हैं 1st ईयर में, यानी कि पहले स्टेज में जो होने वाले हैं सीवीटी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आने वाले हैं, इसके बाद जनरल साइंस आने वाला है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस रहेंगे, यानी कि आप उसको बायोलॉजी भी समझ सकते हैं। लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल तक के आएंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स रहेंगे, जिसमें से आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज, मतलब किसी खास व्यक्ति के बारे में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो भी आपको लगता है करंट अफेयर से, वो सब आएंगे। तो ये रहे फर्स्ट स्टेज के बारे में। सेकेंड स्टेज यानी सीबीटी जो लेने वाले हैं उसमें 2 पार्ट रहेंगे दोस्तों, एक पार्ट ए रहेंगे और दूसरा बी रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला तो क्वालिफाई एग्जामिनेशन था पार्ट जो भी स्टेज फर्स्ट थे। सेकेंड में आपको 90 मिनट मिलेंगे, सेकेंड का पार्ट ए में 90 मिनट मिलेंगे और क्वेश्चंस 100 रहेंगे। इसमें आपके कुछ कुछ कौन कौन से पार्ट रहेंगे, पार्ट ए में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये तो सेम रहेंगे। यहाँ पे एक मुख्य रूप से किया गया कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपको सिलेबस देख लेना चाहिए, ये मुख्य रूप से यानी कि मुख्य एग्जाम यही है आपके लिए, वो तो है ही, लेकिन इस पे आपको जो भी दिया जाएगा एग्जाम का यानी मेरिट लिस्ट बनेगा तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के है, जो भी आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या कौन से फॉलो करना है, कौन से सिलेबस, वो आप यहाँ से देख लेंगे। आपको मैं इसके बारे में भी डिटेल बता दूंगा अगले वीडियो में कि स्पेशली, क्योंकि इस चैनल पे मैं कोर्स कराने वाला हूँ पूरा,
लोको पायलट के बारे में, तो आपको डेफिनेटली इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगे। और कुछ यूजफुल नोट्स भी आपको लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए 200% इम्पॉर्टेंट होंगे। आप पार्ट ए का और एक छुटा हुआ है यहाँ पे चौथा पार्ट, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इसमें भी रहेंगे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, वही सेम सेम थिंग्स रहेंगे उसमें भी जो में थे। तो अब पार्ट बी पे आते हैं। ए के बाद उसी एग्जामिनेशन में, यानी कि उसी दिन होने हैं, दो पार्ट में एग्जाम होंगे, पार्ट ए में और पार्ट बी में, दोनों मिला के कम से कम लगभग 2.5 घंटे के एग्जाम होंगे। 2.5 घंटे यानी 2 मिनट, सॉरी 2 घंटे 30 मिनट। पार्ट बी में ड्यूरेशन 60 मिनट दिए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, क्वालिफाई मार्क्स 35% है, यानी कि ये क्वालिफाई करना है इसमें आपको। ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई के लिए है। आपको पार्ट बी का जो भी रिलेवेंट आप डिग्री है, या जिस आप पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या जो भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसमें आपको 35% लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो, अगर आप लोको पायलट के लिए हैं तो आपके लिए और एक टायर एग्जाम होना, जिसे हम साइको के नाम से भी जानते हैं, यानी कि टायर थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये दिए गए हैं कि आप किस डिग्री से बिलोंग कर रहे हैं, या किस डिग्री के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और पार्ट बी में कैसे सेलेक्टेड टेस्ट, मतलब किस सेलेक्शन से आएगा, यानी किस, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, किस जगह से आने की संभावना है क्वेश्चन, तो ये आपको दिए गए हैं। ये इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से कुछ बताऊंगा। तो थर्ड में आपको कंप्यूटर बेस्ड फिर से पूछे जाएंगे, और उसमें आपको, अगर आप लोको पायलट के लिए हैं यानी कि ड्राइवर के लिए हैं, तो आपको थर्ड टायर देने होंगे, जिसमें से साइको टेस्ट भी शामिल है। उसके वेटेज रहेंगे, यानी कि पार्ट ए जिसमें टेक्निकल या टेक्नीशियन जो भी है उनको भी देना है, और पार्ट थ्री यानी कि जो थर्ड स्टेज का एग्जामिनेशन होना है वो सिर्फ लोको पायलट के लिए होगा। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग पार्ट थे, इससे इसका वेटेज 75% रहेगा, यानी कि जब मेरिट लिस्ट बनेंगे तो पार्ट ए का 75% और पार्ट सी का, यानी कि जो लोको पायलट के लिए साइको टेस्ट होना है, उसे 30% वेटेज मिलेगा। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है, द एलपी मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमॉन्स्ट द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेंड इन पार्ट ए ऑफ सेकेंड स्टेट सीबीटी एंड 30% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेंड इन कंप्यूटर बेस्ड एटी, यानी कि अभी जो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला था थर्ड में, साइको टेस्ट जिसके नाम से भी आप जानते हैं। चलिए, इसमें आपको इजीली दे दिया गया, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट RDSO, यहाँ वेबसाइट का नाम दिया गया है। इसमें आप जाकर उसका पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर, प्रैक्टिस तो मैं भी कराऊंगा आपको इस चैनल के जरिए कि किस तरह से आपको आना चाहिए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो ये सब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अपना किस सेक्टर से हैं, आप उसे ज़रूर भर दें। खास बात आपके लिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में इस बार दिया गया कि इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन का डर किन को बना हुआ रहता है। जो भी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, तो आप खास करके आप किस तरह फॉर्म फिलअप करेंगे, तो फोटोग्राफ जो भी है इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोटो में कैप पहने हुए नहीं होना चाहिए, आप वेयरिंग गॉगल्स पहने हुए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब स्मॉल साइज में होना चाहिए, फुल बॉडी आना चाहिए आपका, ओनली टू वन साइड फेस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके दोनों कान दिखने चाहिए, ऐसे फेस होना चाहिए, सामने से आने चाहिए। ये सब फोटो के लिए, इनवैलिड फोटो से ज़्यादा रिजेक्शन का रेलवे में छाटने का ये रीज़न होता है, इसलिए इसको नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। आप सिग्नेचर अगर अपलोड कर रहे हैं जो भी, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही अच्छे से कि कैसे आप उसको फॉर्मेट में करें, लेकिन आप सावधानी ज़रूर बरते प्रत्येक फॉर्म फिलअप करने वाले को लिए, मैं ये बता रहा हूँ। अब जो भी है आगे एग्जामिनेशन के बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के थ्रू, आपके लिए कौन कौन से पोस्ट हैं, कहाँ से हैं आप, मतलब किस जगह से भर रहे हैं, कौन से सेक्टर से भर रहे हैं, आप ज़रूर चेक करें और आसानी के साथ फॉर्म फिलअप करें। इसमें
कोई दो राय नहीं है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस कैटेगरी से आप भर रहे हैं और उसी फॉर्मेट में जो रेलवे ने प्रोवाइड करा है, यानी कि नोटिफिकेशन में जो जारी किया गया है। तो आप नोटिफिकेशन देखेंगे, चेक करेंगे। मैं अब इतना ही अभी बता रहा हूँ, आगे मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, एक और खास बात मैं आपको बताना भूल गया कि आप जब पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट पैरामीटर्स पूरा दिया गया है, यानी कि लोको पायलट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, कौन सा सब डिपार्टमेंट है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये आप देखेंगे। यानी कि आप सिर्फ इंटर बेसिस से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यानी कि नॉन टेक्निकल बेस्ड पे, तो आपके लिए शायद मुझे लग रहा है कि ये 71 या 72 में आपके लिए पोस्ट है, दो पोस्ट है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, एक सेकेंड जी। यहाँ पे सिर्फ प्लस टू के लिए मेट्रिकुलेशन ITI, सॉरी ये नहीं है, ये भी नहीं है, टेक्नीशियन ट्रेड है, तो इसमें भी दो पोस्ट दिया गया है कि सिर्फ आप इंटर किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं, यानी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसे आप देख लेंगे एक बार, और पूरा कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे दिया गया है, आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट भरेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना ज्वाइनिंग के टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे भर दिए हैं कि आपका क्वालिफिकेशन वैसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको फुल डिटेल में इसका कोर्स कराने वाला हूँ इस चैनल में, तो आप इसके लिए ज़रूर तैयार रहें। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।